गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक नया टॉपिक के साथ हूँ और मैं बता दूँ कि दिस इज माय सेकंड पार्ट टू ऑफ दिस काउ, गाय से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है। और ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए है जो फ्रेजेज और इडियम्स पढ़ना चाहते हैं और जो एसएससी बैंक में खास पूछा जाता है। क्लैट के एग्जाम में भी अभी काफ़ी इसकी वो है, बड़ी ही ट्रेंड चल रही है कि बच्चों से फ्रेजेस एंड इडियम्स पूछे जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप सभी के सभी पढ़ लें। और अभी कुल मिला के यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 10, 17, 18, 19 है फ्रेजेस इडियम्स, तो इन लोगों को जरा सा समझ लीजिए तो बेहतर होगा। इससे पहले कि मैं क्लास को स्टार्ट करूँ तो मैं बता दूँ आपको, काउ गाय होता है और इसका जो मेल वाला जो काउ होता है नर, उसको आप बुल बोलते हैं, जबकि फीमेल को आप काऊ बोलते हैं। याद रखिएगा, फीमेल को आप काऊ बोलते हैं जबकि ये बुल है वो मेल वाला पर्सन है, बैल। काफ जो होता है वो बच्चा होता है, ठीक है। जनरली इसको अभी स्पोकन लैंग्वेज में अगर इस्तेमाल किया जाए तो लोग काऊ का इस्तेमाल कर देते हैं, बिल्कुल अभद्र शब्द बोला जाता है, इसको स्लैंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी वुमेन को आप मोटी या बदसूरत बोलना हो तो अगर उसको काऊ बोल दीजिए तो वो लगता है कि उसको उसके साथ अभद्र भाषा में बात की गई हो। तो काऊ इज यूज्ड एज अ स्लैंग फॉर वुमेन हु इज अगली और हु इज फैट। फ्रेजेस में आइए तो सेकंड नंबर से हमारा फ्रेज स्टार्ट हो जाता है, और काऊ कॉलेज। काऊ कॉलेज का मतलब कोई भी एक ऐसा कॉलेज जो अननोन है, कहीं से पढ़े हैं कोई भी, राम रहीम श्याम कोई भी कभी पढ़ा हो, ही हैज बीन इन द काऊ कॉलेज, ही हैज स्टडीड, ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम ए काऊ कॉलेज। इसका मतलब है कोई भी एक ऐसा कॉलेज जो कि ग्रामीण क्षेत्र में होगा या फिर जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। चलिए फिर तीसरा नंबर में आइए, टू काउ समबडी इनटू समथिंग। किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जाता है ना, या फोर्स कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तुमको तो यह काम करना पड़ेगा। टू प्रेशराइज समथिंग, टू प्रेशराइज समवन टू डू समथिंग। देखिए वह करना नहीं चाहता है लेकिन उसको आप जबरदस्ती आप फोर्स कर रहे हो कि यह काम करो भाई, ये तुमको तो करना ही पड़ेगा। काऊ कॉलेज, रूरल कॉलेज। टू काऊ समबडी, किसी को प्रेशराइज करना कुछ करने के लिए जो वह नहीं करना चाहता है। डोंट हैव ए काऊ, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, यहां पे फुल स्टॉप है। डोंट हैव ए काऊ। काऊ जनरली माता होती है, गाय होती है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है परेशान ना हो। डोंट वरी, परेशान ना हो भैया, चिंता मत करो। तो डोंट हैव अ काऊ, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे डोंट हैव अ काऊ, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे डोंट, हिंदी में बोलते हैं परेशान ना हो। होली काऊ, एक आया नया होली का। होली तो ऐसे पवित्र होता है और काऊ मतलब गाय होता है, तो जब सरप्राइज आपको शो करना है जैसे ओह वाओ इस तरह का कुछ करना है, ओह वाओ, तो इसके लिए आप लोग होली काऊ का इस्तेमाल करते हैं, होली काऊ बोल देते हैं लैंग्वेज में। जनरली इस तरह का ये ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश है, हम लोग के स्पोकन इंग्लिश में होली काऊ तो बोलते नहीं है, रिटन इंग्लिश में लोग होली काऊ बोल देते हैं, यूरोपियन लोग भी बोलते हैं, शायद कुछ ऑर्थोडॉक्स पीपल होंगे जो पुराने जमाने के, वो लोग होली काऊ का इस्तेमाल करते हैं। नॉवेल में भी आप ये लैंग्वेज देखेंगे होली काऊ। तो होली काऊ का मतलब होता है सरप्राइज, व्हेन यू ग्रीट समवन सरप्राइज विद सरप्राइज, बोलते हैं ओह वाओ समथिंग ग्रेट हैज हैपेंड। टीन काउ, इसका मतलब हो गया जो कैंड मिल्क होता है ना, आप देखे होंगे अमूल का वो दूध आता है बक्से में बंद आता है, एक तो पॉलीपैक में आता है जो पॉलीथीन में होता है, एक डिब्बे में आता है, वो इतना बढ़िया होता है दूध, या यूं बोलो कि वो दूध अंदर में 2-3 महीने की एक्सपायरी डेट होती है, वह खराब नहीं होता है, तो टीन काउ वही होता है। कैंड मिल्क की बात करेंगे, वो दूध जो कि एक बक्से में बंद होता है और वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है वायरस और बैक्टीरिया और फंजाई से। कैश काउ, कैश काउ का मतलब होता है अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक बिजनेस में जिसमें आपको खूब नफा हो, खूब ल्यूक्रेटिव बोल सकते हो, ल्यूक्रेटिव बिजनेस, ल्यूक्रेटिव
बिजनेस, एक बिजनेस जिसमें काफी पैसा हो, दैट इज ए कैश काउ। फिर से मैं आपको बता दूं, कैश काउ का मतलब एक ऐसा बिजनेस मींस में बहुत ज्यादा पैसा। टीन काउ मतलब बंद पैकेट वाला दूध। होली काउ व्हेन यू एक्सप्रेस सम सरप्राइज, ओ वाउ टाइप ऐसा कुछ सरप्राइज, तब आप होली काउ जैसा वर्ड का देखते हैं डिक्शनरी में। डोंट हैव ए काउ, परेशान ना हो। अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा आसान मैं कर दूं अंग्रेजी को। काउ जूस, गाय का जूस जनरली इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, काउ जूस। और गाय जो होती है वो जो आवाज़ देती है ना मू, तो ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है मू, तो काउ जूस या मू जूस का मतलब हो गया गाय का दूध, गाय का दूध। तो गाय का दूध के लिए आप अंग्रेजी देख लीजिए, काउ जूस जनरली मिल्क होता है लेकिन काउ जूस बोल देते हैं, काउ जूस। पिछले मैंने एक लेक्चर भी दिया था जिसमें हमने आपको मिल्क से संबंधित बहुत कुछ बताया था। आज हमारा टॉपिक ही था कि काउ से रिलेटेड फ्रेजेज इडियम बच्चों को करवा दिया जाए। तो काउ जूस का मतलब हो गया, या मू जूस का मतलब हो गया गाय का दूध। इसी तरह से काउ पेस्ट मिलेगा, तो काउ पेस्ट का मतलब बटर हो गया भाई, टेंशन ना लो। तो काउ जूस का मतलब दूध और काउ पेस्ट का मतलब बटर। मू जूस भी बोल देते हैं, गाय के दूध को बोल देते हैं। हाउ नाउ ब्राउन काउ, बहुत ही आप सरप्राइज्ड हैं और लगता है कि अरे आहां कैसे, अभी कैसे, हाउ नाउ ब्राउन काउ, अचानक कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सरप्राइज की बात करी जा रही है, खुशी जाहिर की जा रही है। कोई अचानक व्यक्ति मिल जाए तो बोले अरे भैया यहाँ कैसे, अभी कैसे, बड़े दिनों के बाद मिले, तो सरप्राइज जब खुशी जाहिर करनी हो किसी के अचानक मिलने पे, तो हाउ नाउ ब्राउन काउ बोल दीजिए। जनरली इनफॉर्मल लैंग्वेज है और फ्रेंडशिप में आप इस तरह का इस्तेमाल कर देते हैं, कोई भी हो तो आप बोल सकते हैं। आइए बुल के बारे में देखिए। बुल अभी आप लोग देखे थे, गाय का जो मेल वाला होता है पोर्शन, मेल गाय जो मेल है, नर है उसके लिए, एज स्ट्रॉन्ग एज बुल। देखिए बैल का जो इस्तेमाल किया जाता है खेत में किया जाता है, और उस खेत में उसके कंधे पर लगा दिया जाता है हल और पूरा खेत जोतते हैं किसान भाई लोग। तो इसका मतलब है बुल जो है फिजिकली स्ट्रांग हो। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कह दिया जाए ही इज एज स्ट्रांग एज अ बुल, इसका मतलब है फिजिकली फिट बोला जाए या फिजिकली स्ट्रांग बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग हो, उसके शरीर में काफ़ी ताकत हो, तो एज स्ट्रांग एज बुल। लेकिन हेड अगर आ गया बुल का हेड, तो इसका मतलब ढीठ हो जाएगा, ढीठ, स्टबर्न या फिर ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या होता है, ढीठ आदमी, इसको एक बात कह दिया गया हो लेकिन फिर भी वह नहीं समझता है, ढीठ आदमी है वह। कोई जिद पकड़ लिया है तो वह कर छोड़ेगा, जिद्दी इंसान को। एज राम वॉज अ बुल हेडेड पर्सन, राम एक जो है जिद्दी आदमी था। चलिए लाइक अ बुल एट अ गेट। अब देखिए जिसके दिमाग में कुछ समझ में आ ही नहीं रहा हो और उसको जो बोले वो पर्सन ना कुछ भी कर दे, समझ गए, बिना सोचे समझे कोई एक्शन कर लेना जिसके बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा हो, बस निकल गए और उसके बारे में कुछ मैंने बस निकल पड़े, बिना सोचे समझे हुए कोई कदम उठाना, लाइक अ बुल एट अ गेट, बिना सोचे समझे कदम उठाना, लाइक अ बुल एट अ गेट। एक व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कोई कदम उठाता है उसको आप कह सकते हैं यू इज अ पर्सन लाइक अ बुल एट अ गेट। टू मिल्क द बुल, देखिए बुल, बुल मतलब तो मेल है, और उससे आप दूध निकालोगे कैसे भाई, यह असंभव बात है बिल्कुल। तो इसका अगर यह फ्रेज कहीं मिल जाए तो इसका मतलब यह हो गया ना कि टू इंगेज इन एन एक्टिविटी, मैंने क्या कहा, टू इंगेज इन एन एक्टिविटी दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब जो असंभव काम है उसके पीछे आप लगे हुए हो, तो असंभव काम के पीछे लगना। ये काम में जहां पर सक्सेस है ही नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। अब गर्मी के दिन में आप बोले कि अभी जो है कि एकदम जेठ के दोपहर में अभी बारिश हो जाएगी, तो ये कह सकते हैं, या किसी से मान लो, चलो एक दूसरा एग्जांपल, एक कंजूस से आप उम्मीद करो कि अभी आपको वो 1,000 रुपया दे देगा या 100 रुपया देगा, तो ये तो वही बात हो गई जन
बिल्कुल कंजूस व्यक्ति से पैसा निकलवाना है टू मिल्क द बुल। आइए डॉट्स, काउ डॉट्स या काउ डूट्स या चिप्स बोलते हैं, गाय का जो गोबर होता है उससे मैन्योर बनाया जाता है। मैन्योर क्या होता है? खाद होता है। तो गाय के गोबर में भूसा और कुछ चीज मिला करके वो ऑर्गेनिक तैयार हो जाता है, मैन्योर तैयार हो जाता है। वो बिल्कुल शुद्ध खाद होता है, उसमें किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो गाय से गोइठा लोग बना देते हैं, काउ डंग, गाय का गोबर हो गया काउ डंग, और उससे काउ डंग केक बोलते हैं उसको। तो काउ डंग केक मतलब गोइठा हो गया। गोइठा देखिए, गाय का गोबर जो होता है, गाय का जो वेस्ट होता है उसमें भूसा मिला करके महिलाएं क्या करती हैं, गोल गोल सा बनाती हैं और उसको दीवार पे मारती हैं। दैट इज काउ चिप्स, काउ डूट, गाय का गोबर, या काउ डंग केक बोल सकते हैं। अब एक आखिरी है इसमें, लाइक ए काउ पीइंग ऑन अ फ्लैट रॉक। पीइंग मतलब होता है पेशाब करना, ठीक है। तो गाय का जो पेशाब होगा कहाँ कर रही है गाय? एक फ्लैट रॉक पे। देखिए, एक आप पत्थर ले लो या एक कोई भी चीज ले लो और वहां पर उसे ऊपर से आप पानी गिराओ, पानी गिराते हैं तो जमीन पे गिरेगा तो वो बिल्कुल इस तरह से फैलेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी जिस तरह से पानी गिर रहा है पूरा चारों तरफ फैल जाता है, धीरे धीरे गिरे तो कोई बात नहीं, अचानक गिरे तो पूरा पानी फैल जाता है। तो अगर गाय एक फ्लैट रॉक के ऊपर में पेशाब कर रही हो तो इसका मतलब है काफी मूसलाधार बारिश हो रही है, काफी मूसलाधार बारिश, बारिश बहुत तेज हो रही है। इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स टाइप। और कहीं छूट गया कुछ? हाँ, छूट गया कुछ। देखिए, दो चीज छूट रहे हैं, अंटिल द काउ कम्स होम। देखिए, गाय को एक बार कभी कभी जो जो होते हैं उसको काउ बॉय बोलते हैं। देखिए, जो जो व्यक्ति जो होता है गाय को चराता है, यूएसए में ज्यादा ही इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, गाय को चराने वाला जो व्यक्ति होता है उसको काउ बॉय बोलते हैं। और वो काउ बॉय हो सकता है कहीं पड़ा हुआ हो, कृष्ण भगवान भी काउ बॉय थे। देखिए, उनका काम था गाय चराना, कृष्ण द गॉड कृष्ण ऑल्सो वॉज ए काउ बॉय, उनका एक ड्यूटी था गाय चराना। अब गाय चराने के लिए छोड़ दिए हों और उसको वो टहल रही है और धीरे धीरे खा रही है, उसको खाते खाते और घर लौटते लौटते एकदम शाम हो जाएगा, समझ गए, घोड़े आप ले गए थे और 5 बजे शाम में लौट के आई। तो अंटिल द काउ कम्स होम का मतलब कि जब तक कि गाय वापस आती है घर पे। अब इसका मतलब यह है कि कोई फोन पे लगे हुए हैं, ऑन द डॉग करके एक बार हम लोग पिछले क्लास में बताए थे। तो अंटिल द काउ कम्स कम, इसका मतलब होता है बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। गीता वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड एंड शी कंटिन्यूड अंटिल द काउज केम होम। कब से बतिया रही थी और कब तक बतियाई? जब तक कि गाय घर पे लौट के नहीं आ गई। मतलब एक बहुत लंबे समय से लड़की जो है गीता, शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। तो अंटिल द काउ कम्स होम का मतलब बहुत लंबे समय तक आप जो है